Dear student, good morning. Today in online classes, we will read the book on page number 1920. Believe in yourself. अपने आप में विश्वास करो. गौरव को भी निक पिजिक पांच बॉर्न विद नो आर्म्स एंड लेग. इनका जन्म बिना हाथों पैरों के हुआ था. ही सा एक डिसेबिलिटी. उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को देखा एज एन अपॉर्चुनिटी, एक मौके के रूप में, एंड ओवरकम इट थ्रू स्ट्रेंथ एंड होप. और इस पर उन्होंने विजय प्राप्त की शक्ति के द्वारा और आशा के द्वारा. इंस्पायरिंग मैनी पीपल, कई लोगों को इंस्पायर करते हुए, हु हैव डाउटेड दियर, उन्होंने डाउट किया, हु हैव डाउटेड दियर एबिलिटीज, जिनको अपनी योग्यताओं पर डाउट था. निक राइट्स विद नो टोच. जो निक हैं वो बिना टोच के अंगूठे के लिखते हैं. ऑन हिज लेफ्ट फुट, अब उनका जो दाया पैर है, एंड ए स्पेशल ग्रिप दैट स्लिड इनटू हिज बिग टो, जो कि उनके बड़े से टो में एक ग्रिप है. ही नो, वह जानते हैं हाउ टू यूज ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का प्रयोग किस तरीके से करें. ही हैज आल्सो लर्न टू थ्रो टेनिस, और उन्होंने टेनिस को एक गेंद फेंकना लर्न सीख लिया. पास प्ले ड्रम और ड्रम्स को बजाना. मेडल्स गेट ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी को प्राप्त करना. कॉम एंड हिज हेयर, ब्रश हिज टीथ, आंसर द कॉम एंड सेव इन द एडिशन टू पार्टिसिपेटिंग इन बोथ स्विमिंग इवन स्काई डाइविंग एट द एज ऑफ 19 और 19 वर्ष की अवस्था में निक पिजिक स्टार्टेड हिज पब्लिक स्पीकिंग करियर. उन्होंने अपना पब्लिक स्पीकिंग करियर स्टार्ट कर दिया. इन 2005 ही फाउंडेड लाइफ विदाउट लिम्स, उन्होंने लाइफ जीवन विदाउट लिम्स, बिना पैरों के जीवन, इसकी उन्होंने स्थापना की. एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिट संगठन है. टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द लाइफ, जीवन के मैसेज को फैलाने के लिए. ही एक्सपीरियंस विद ग्रेट इंस्पिरेशन, और उन्होंने बहुत बड़ी प्रेरणा के साथ एक्सपीरियंस किया. एट ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ही एंड इन द 2007 हिज मोटिवेशनल स्पीकिंग कंपनी एटीट्यूड वाज फाउंडेड, इसकी स्थापना की गई. निक पिजिक हैज प्रेजेंट मोर देन 2 कंट्रीज, और ये निक पिजिक 60 से ज़्यादा अधिक कंट्रीज में यात्रा कर चुके थे. और डिलीवरी इंस्पायरेशनल लेक्चर्स को देते हुए आउट ऑफ हिज ऑन एक्सपीरियंस, अपने खुद के अनुभव से. देयर वाज वंस ए मदर डक. मदर डक हैड नो चिल्ड्रन, उसका कोई बच्चा नहीं था मदर डक के. एज नन ऑफ हिज एग्स हैड हैच्ड, क्योंकि उसका कोई भी जो अंडा था वो हैच नहीं हुआ था. ही वेटेड, उसने इंतजार किया पेशेंटली, धैर्यपूर्वक, डे एंड नाइट, दिन और रात, फॉर हर एग्स टू हैच, अपने अंडों को हैच करने के लिए. वन डे, एक दिन, एज ही वाज सिटिंग ऑन हर नेस्ट ऑफ एग्स, जब वह अपने अंडों के घोंसलों में बैठी हुई थी, द मदर डक हेल्ड समथिंग मूव बीनीथ हर, तो मदर डक ने अपने नीचे किसी चीज को चलता हुआ, चलने की आवाज सुनी. क्रैक क्रैक क्रैक, फील्ड विद हैप्पीनेस, और वह खुशियों से भर गई. द मदर डक बास्ट, मदर डक ने देखा वन बाई वन हर एग्स हैच्ड, एक एक करके उसके जो अंडे थे वो हैच हो गए. सी हैज एक्साइटेड टू लीड हर चिल्ड्रन, और वह एक्साइटेड थी अपने बच्चों को छोड़कर. टू पॉन्ट एंड टीच देम, और उन्हें पढ़ाने के लिए. हाउ टू बी डक, किस तरीके से एक डक बने. अनफॉर्चुनेटली फॉर मदर डक, और दुर्भाग्यवश मदर डक के लिए, वन एग वाज लेफ्ट टू हैच, एक अंडा जो था वह छूट गया हैच करने के लिए. द एग वाज लार्जर देन रेस्ट, और जो अंडा था वह बच्चों को से बड़ा था. इट वाज ब्राउनर देन द रेस्ट ऑफ द एग्स, और अधिक ये ब्राउन कलर का था बचे हुए अंडों से. आर द लिटिल डक्स, जितनी भी छोटी डक्स थी, वेटेड फॉर टू और मोर डेज एंड नाइट, दो से अधिक दिनों तक उन्होंने दिन और रात इंतजार किया. आई वॉन्टेड टू गो टू द पॉन्ड, में पॉन्ड जाना चाहती हूँ. मदर डक वन बेबी डक क्वैक्ड, लेट अस गो टू मोर क्वैक्ड एक्साइटेडली, बट द मदर डक वेट देम ऑल, वेट फॉर सी प्रॉमिस हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप से वादा किया उसने. दैट सी वुड लव ऑल चिल्ड्रेन द सेम, एट द क्रैक ऑफ डन ऑन द थर्ड डे ऑफ वेटिंग द लार्ज ब्राउन एग बिगन टू वाइब्रेट, और बड़ा सा ब्राउन एग था वह वाइब्रेट होना शुरू हो गया. इट सॉफ्ट एंड सॉफ्ट एज ऑल ऑफ द डक्स बास्ट
in a crack. Out from the large ground airport, a large stench, looking head of a bird that did not look much like a duck. Out from the large ground airport, a large stench, looking head. उसमें से एक बड़ा सा अजीब दिखने वाला है दिखा ऑफ ए बर्ड इस चिड़िया का दैट डिड नॉट लुक मच लाइक डक जो कि डक की तरह नहीं दिखाई देता था. दिस बेबी बीक बाय ए लिटिल टू लॉन्ग ये जो बेबी बीक थी वह छोटी थी. नाउ राइट एन एडिट टू रीड दिस चैप्टर.